ठीक ना सही फीस समझ के रख लो। पनिया तो बहुत कम है, इतने में अपन का कुछ नहीं होगा। आई क्या करी तू? तू क्या बस्ती छोड़ के चली जाएगी क्या? क्या तेरे को रोकने का नहीं है क्या ये रीडेवलपमेंट? मुझे बस्ती वालों से और रीडेवलपमेंट वालों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ मेरे सत्या से मतलब है। तू यहाँ नहीं रहेगा मतलब नहीं रहेगा, मेरे साथ चलेगा बात खत्म। अरे काहे की बात खलास? आई अभी तक तू ये रीडेवलपमेंट के खिलाफ में थी। हाँ तेरे को मालूम था ये गलत है, पर मेरे को लगता था ये बस्ती वालों के भले के लिए है, तो मैं सपोर्ट में था। अभी मेरे बात समझ में आ गई है कि सब चोरी है, सब धांधली है, तो तू इधर से भागने की बात करती है काहे को? ए आई मैं है ना इधर तेरे साथ में, मैं बात करेगा सब बस्ती वालों से, उनको समझाएगा ये रीडेवलपमेंट ना उनके भले के लिए नहीं है, बचाएगा उनको मैं। और वो क्या नाम है उसका, वो पायल सेन गुप्ता, मैं उसके पास भी जाएगा, ये सब कुछ निपटा के आएगा मैं। देख आई तेरे सत्या से ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई है मालूम। अभी मैं इन चौल वालों को कर्जा रहे आई, मेरे को एक मौका मिलना मांगता है प्रायश्चित का। आए? देख सत्या मैं तुझे बताती हूँ, तुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, तू कहीं नहीं जाएगा, खा मेरी कसम। क्या हो गया आई? भड़क काहे को रही है इतना? ऐसा क्या बोला मैं? चुप कर। आई काहे जाला आई, काहे को ये सब कुछ? नहीं बोलेगी आई? पहली बार ना मैं तेरी बात नहीं मानेगा। मैं ये पीठ दिखा के भागने वालों में से नहीं आई, मैं इधर ही रहेगा और लड़ेगा इन बस्ती वालों के लिए। मैं इतना तो बनता है इनके लिए क्या? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सत्या से मिलना चाहती हूँ। सत्या मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं? बस क्या मैडम, थोड़ा टाइम लग रहा है क्या? साइन किया नहीं अभी किसी ने, पर अपन करा लेगा क्या? आप टेंशन ना को, इसे लेके जाइए यहाँ से, ये भी किसी काम का नहीं है। अरे मैडम चलिए जाइए। क्या चलिए जाइए? हाँ तो जाता है ना अपन। अरे मैडम अपनी बात सुनने का, चलिए चलिए चलिए। अरे अरे क्या मैम, हमारे फाइनेंसेस बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें एक टोटल टर्न अराउंड की जरूरत है मैम। ये लोअर मिडिल क्लास वाले लोग जो होते हैं सीधे साधे, इनके भरोसे से खेलना बहुत जरूरी होता है। अगर हम इन्हें किसी चीज का भरोसा दिला दें, किसी भी चीज में जिसमें ये हमसे इमोशनली अटैच हो जाए, और फिर अगर हम उस भरोसे को अपने फायदे के लिए यूज करें तो मामा आपके लिए कॉफी। थैंक्स स्वीटी। सो मामा रीडेवलपमेंट का काम कैसे चल रहा है? हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं डार्लिंग, उन बस्ती वालों को एक बेटर लाइफ देने के लिए। और तुम्हें तो पता ही है ना तुम्हारे पापा का क्या सपना था। कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो बेवकूफ़ बस्ती वाले मानने को ही तैयार नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मामा,
मैं आपकी मदद करूंगी। मैं चाहती हूँ कि आपका और बाबा का सपना पूरा हो। रियली? उस सत्या को क्या लगता है कि मेरी मामा करप्ट है? जब उसे मॉम की सच्चाई पता चलेगी ना कि वो उनका भला चाहती है, तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी। ग्रेट, तो फाइनली मिल गया तरीका बस्ती वालों को तोड़ने का। दादा, दादा, आज पायल आ रही है यहाँ चौल में लोगों से मिलने के लिए और साइन लेने के लिए, और मैंने ये भी सुना है कि वो नींव की ईंट आज ही रख देगी। नींव की ईंट? नहीं सिस्टर, हमें कुछ करना पड़ेगा। दादा, वो औरत बहुत चालाक है। पहले भी उसने बाहर के चौल वालों से साइन लिए और वो लोग बता रहे थे कि आज तक उनके पैसे भी नहीं मिले। पर अपने सबके साथ ये सब कुछ नहीं होगा। सिस्टर, ये अपने चौल वाले हैं ना, एकदम मासूम है मालूम। इनको मालूम नहीं है क्या होने वाला है इनके साथ में, पर अपने को मालूम है। हम इनके साथ ये नहीं होने देंगे क्या? पर क्या करेंगे दादा, आप पे तो कोई भरोसा करता नहीं है, और तो और सबको ये लगता है कि आप पायल के साथ मिले हुए हो। अरे पर मैं उसके तो फिर उनको यही समझने दे सिस्टर कि मैं पायल सेन गुप्ता से मिला हुआ है। क्या रे भाई लोग, आज हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है क्या? आज अपनी अखा बस्ती का भला होने वाला है। सबको मस्त फ्लैट मिलेगा, सबको बड़े बड़े घर, आलीशान जिंदगी क्या? आज हम सब के बीच पायल मैडम आने वाली है क्या? तालियां। नारा दो पायल सेन गुप्ता को, आज वो भी देखेगी सत्या की सत्यागिरी। आई होप आज वहां दीपू भी होगा, ये इवेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। हेलो, यस मिस्टर सक्सेना, नहीं आज पॉसिबल नहीं है, आज एक बहुत जरूरी काम है। या कीप इट फॉर टुमॉरो। ओके, थैंक यू। हेलो, आपके आई का बीपी बहुत हाई हो गया है, वो बेहोश हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल लाया गया है। आप जल्दी से मॉडर्न हॉस्पिटल आ जाइए। आई अस्पताल? मैं आ रहा है, मैं तुरंत आ रहा है। अरे सत्या, पायल जी आ रही है। अरे भाड़ में की तेरी पायल जी, ऑटो भाव मॉडर्न हॉस्पिटल चलो। अरे स्वागत है आपके अपनी बस्ती में। ए छोटे, कटिंग चाय लगा जल्दी। क्या रे बस्ती वालों, आज हम सबके बीच में आई है पायल मैडम। तालियां।
डॉक्टर साहब एक बात बोलू? कहिए। मैं सच कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ मेरे बेटे के लिए, वो मुझे देखने के लिए भागा दौड़ा यहाँ चला है इसलिए, नहीं तो बेमतलब वो किसी लफड़े में अटक जाता था। इसके लिए मैंने ये सब किया। डॉक्टर साहब वो यहाँ आए तो आप उसे बोलना नहीं हाँ कि मैंने ये सब। बस क्या है? बस क्या है? अभी क्या अपने सत्या से भी झूठ बोलने का? गंगू ताई ने आज तक सबसे झूठ बोला है, आज पायल मैडम और माही मैडम हमसे सब सच बोलने वाली हैं। क्या सत्या मेरी बात तो सुन। अरे क्या सुनूं मैं आई? आज तेरा सत्या हर उस चीज के लिए खड़ा होना चाहता है जिसके लिए तू अक्की जिंदगी लड़ती आई है। किस बात का डर है तेरे को? अचानक रातों रात ऐसा क्या हो गया कि तू इतना बदल गई है? तू कहीं नहीं जाएगा, बस किसी लफड़े में नहीं पड़ेगा। सत्या मेरी बात मान। आई अभी तेरा सत्या इस लफड़े में पड़ चुका है, और जब इस सत्या किसी लफड़े में पैर डालता है ना तो फिर पीठ नहीं दिखाता है। सत्या सत्या रुक तो सही। मेरे बाबा का हमेशा से सपना था कि आप सबके हालात सुधरे, सबको डेवलपमेंट मिले, रहने के लिए अच्छे घर और सारी सुख सुविधाएं मिले। लेकिन आप लोग की चौल पहली चौल नहीं है जहाँ पर मेरी मम्मा ये सब करवाना चाहती है। इससे पहले भी कई जगहों पर मम्मा ने बाबा का सपना पूरा किया है। और इस पायल सेन गुप्ता हाँ सही कह रही है। इससे पहले भी उन्होंने कई चौल खरीदे हैं और उन चौल वालों को धोखा दिया इसकी माँ पायल सेन गुप्ता ने। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ सही कह रहा हूँ मैं। मामा क्या रहे छोटे, ये साले पंटर लोग तो अपने बस्ती के भी नहीं है क्या? किधर से आए ये लोग? क्या रे पंडित लोग, किधर से आ रहे तुम लोग? चुपचाप ऐसे कट लेने का क्या? अपना यहाँ पे बहुत इज्जत है, यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, कट लेने का। चल चल निकल।
सत्य भाई, ए, भागे सत्य भाई। क्या जमाई राजा की हेमा मालिनी ऐसा किधर खो गई? आप पायल जी, हमारी सत्या सत्या क्या मैडम, इतनी बड़ी औरत होने के बाद भी आपको इतना भी मालूम नहीं है कैसा ये चिरकुट लोग के साथ डील नहीं करने का? मेरे साथ डील करने का क्या? इधर चौल के असली राजा मैं, सत्या है मेरा नाम, सत्या। मैडम मालूम है क्या, अक्सर लोग मेरे को ये बोलते हैं कि मेरे चेहरे में कुछ बात है, मिलियन डॉलर फेस है मेरा क्या, पर मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आप भी मेरे को देख के ऐसे खो जाएगी। ऐसा कॉन्फिडेंस लूज नहीं करने का, सत्या के साथ मस्त कॉन्फिडेंस में बात करने का क्या है? कल तक तो हम लोग राक्षस थे, तो फिर आज क्यों आए हो? मैं अमीर जादी हूं और मेरी मम्मा को क्या बोला था तुमने? चीटर। पलटू कहीं के? माही, चलो यहां से। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। देख लेना। अरे पायल मैडम, चक्का